नमस्कार, कल्पना चौबे रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी पानी पूरी बना रही हूँ। पानी पूरी का पूरी बनाने के लिए एक कटोरी सूजी ले लेंगे, एक कटोरी मैदा ले लेंगे और इसी कटोरी से एक चौथाई कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथ लेंगे। डो तैयार हो गया। आटे को कम से कम 10 मिनट तक गूंथना है। आटा थोड़ा टाइट ही रहेगा। अब इसे गीले कपड़े से ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे हो गए, आटा चेक कर लेती हूँ। आटा तो सेट हो गया है, लेकिन इसे और 10 मिनट गूंथना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सूखा लग रहा है, 1 चम्मच पानी ले लेती हूँ। अब इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। डो सॉफ्ट हो गया, गीले कपड़े में ही ढक के रखेंगे। अब पूरी बना लेते हैं। थोड़ा सूखा मैदा ले लेंगे। पूरी बनाने के लिए पहले लोई बना लेंगे। लोई बनाने के लिए इसे पतला करके और लंबा कर लेंगे। अब चाकू की सहायता से बराबर की छोटी छोटी लोई काट लेंगे। अब एक लोई लेकर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेलेंगे। इस तरह से बेल लेंगे। अब पूड़ियों को तल लेती हूँ। तेल गरम हो गया, पूड़ियाँ डाल देती हूँ। अच्छी पूड़ियाँ फूल रही है। बहुत अच्छी फूली है पूड़ियाँ। पानी पूरी बनाने के लिए मैं कई तरीके से ट्राई की, लेकिन ये सबसे परफेक्ट तरीका है। और पूड़ियाँ डाल देती हूँ। बहुत अच्छी फूल रही है पूड़ियाँ। पहले गैस का फ्लेम हाई था, लेकिन अभी गैस का फ्लेम लो कर दिया। बहुत ही फूली और कुरकुरी बनी है पूड़ियाँ। हो गया है, अब निकाल लेती हूँ। पूड़ियों को बेलने के बाद सीधा कढ़ाई में ही डाल देना है। पानी पूरी का खट्टा पानी, मीठा पानी, रगड़ा और आलू का मसाला, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ।
ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।